For more such an updates, click the red button and hit the bell icon to never miss any video from HSB News. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने लश्करे तैयबा से जुड़े कश्मीरी व्यवसायी मजहूर अहमद शाह वताली की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। वताली पर आरोप है कि वह लश्करे तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बैंकर और फाइनेंसर है। ईडी कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद वताली की संपत्ति गुरुग्राम में है। इसकी कीमत 1.3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने आतंकियों को मदद देने के आरोप में 2017 में वताली समेत 18 के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि ये कार्यवाही धन शोषण निरोधन अधिनियम PMLA के तहत की गई है। लश्करे तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ अपनी जांच के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक आरोप पत्र दाखिल किया था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HSB News।